सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल मैंने IRCTC का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने टारगेट रखा था 1550, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए आज उसका हाई कहाँ टच किया। NSE में 47 कुछ पैसे ऐड हुआ, 1447.85 तक गया था, और वहाँ BSE में 1549 वहाँ तक वो पहुँचा था। यानी 2-3 रुपये का ही डिफरेंस था। मुझे ये कहना है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे टारगेट में और IRCTC के टारगेट में 2 रुपये का ही डिफरेंस था लगभग। बस ये इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, और बस उसके बारे में यही कहूँगा कि अभी आप होल्ड करिए। चलिए आज और एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में दोस्तों। हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये वो कंपनी है दोस्तों जो हमेशा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली रहा है। अगर कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उन कंपनियों का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली कंपनीज है, तो उसमें मैं एक नाम पहले जोड़ूंगा, और वो नाम जोड़ूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये हमेशा इन्वेस्टर्स फ्रेंडली रहा है दोस्तों। डिविडेंड के रूप में मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, तो भी ये अपने को मजबूत रखता है, स्टेबल रहता है। तो लोगों का विश्वास और मनोबल कायम रखने वाली कंपनी जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों। हाँ दोस्तों, और मैंने कुछ महीने पहले इसका, ये मेरा Part 3 वीडियो चल रहा है, Part 2 भी आप देख सकते हैं, मैंने उस समय एक टारगेट रखा था दोस्तों, और वो टारगेट अचीव हो गया कल के ही दिन। टारगेट प्राइस अचीव 2200 कल की तारीख में हुआ था, और कल थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज के कारण मेरा वो वीडियो बराबर हुआ नहीं जो अभी चल रहा है, तो वो टेक्निकल पॉइंट वो क्लियर हुआ बाद में, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज ही बनाता हूँ वीडियो जो अभी बन रहा है, जो हो रहा है। तो कम शब्दों में टारगेट प्राइस अचीव हो गया, और उसकी उपलब्धि यही है कि अब उस टारगेट प्राइस अचीव के बाद यहाँ छोटा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, जिसे आप देख ही सकते हैं। आज का मार्केट का क्लोजिंग प्राइस देखिए 2160.30 एज ऑन 5th फरवरी 2020, ठीक है। और मार्केट कैप देखिए इसका 4,67,664.35 करोड़, जो बढ़ रहा है पहले से काफ़ी ज़्यादा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव मेंटेन रहेगा दोस्तों। और यहाँ से ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाली बात आ गई फिर से कि ये कहाँ जाएगा, इसका प्राइस कहाँ अभी इस दौरान या आने वाले दिनों में या महीनों में ये टच करेगा। वो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इसका प्राइस टच करेगा 2,350 रुपीज़। हाँ दोस्तों, अगला टारगेट हिंदुस्तान यूनिलीवर का है 2,350 का। आने वाले दिनों में महीनों में ये प्राइस जरूर टच करेगा, आप भी देखिए मैं भी देखता हूँ। दूसरी बात, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिन लोगों के पास ये शेयर है, मैं तो हमेशा कहूँगा दोस्तों कि उसको होल्ड करिए, बिल्कुल होल्ड करिए दोस्तों। बेचना, हाँ जिनका बहुत पहले का लिया हुआ है वो मैं उन्हें कहूँगा थोड़ा पार्टली बेचना, वो अलग बात है जब नया हाई टच करता है उसी दौरान। लेकिन वास्तविक रूप से मेरा तो सुझाव यही है कि ये शेयर हमेशा होल्ड करना चाहिए, और हमेशा आपके साथ ये रहना चाहिए। बस दोस्तों यही खास कहना था, बाकी आपका सहयोग और साथ तो चल ही रहा है। हमारा जो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेस है उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप ले रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मेंबरशिप है, पोर्टफोलियो रिव्यू का भी सर्विस हमारा चल रहा है, और इंट्राडे ट्रेडिंग पैकेज भी ऑन है। चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं।